जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय पिता तुलसीवन दुबे सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और सोनी सर को भी सादर प्रणाम, और हमारे ये जो दिलीप जी हैं हॉकी के बड़े अच्छे जानकार हैं, और सरस्वती जी के बारे में भी जानकारी मिली, अभी फोन आया था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सर। मैं अभी पिछले महीने का एक संस्मरण बताता हूँ, जनवरी का महीना, जब ठंडी की छुट्टी में स्कूल खुला, ठंडी की छुट्टी के बाद, शीतकालीन अवकाश के बाद जब विद्यालय खुला, तो 4 और 5 में जो मैडम अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा कि जब जूनियर के लोग इतने कम क्लास लेते हैं तो मैं ज्यादा क्लास क्यों लूंगा, और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने से अपना हाथ खड़ा कर दिया। प्रधानाध्यापक बड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब अंग्रेजी की क्लास 4 और 5 में कौन लेगा। तो हमारे विद्यालय में एक जो भी समस्या आती है, जब कहीं से प्रधानाध्यापक के पास उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें याद किया जाता है। उन्होंने सबसे पूछा कि भाई 4 और 5 में अंग्रेजी पढ़ाना है, आप लोग पढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी 90,000, 1,05,000, 70,000, 80,000, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैडम ने मुझे बुलाई, प्रधानाध्यापक ने, और कहा कि सर ऐसी सी बात है, हमारे सम्मान की बात है। हमने कहा जब आपकी सम्मान की बात है तो आपका सम्मान हमारा सम्मान है, और आप बताइए क्या करना है। उन्होंने पूरी वाक्य बताया कि सर ऐसी सी बात है, 4 और 5 में जो मैडम अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अंग्रेजी वहां नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे ज्यादा पीरियड मिला है तो मैं ज्यादा पीरियड। तो मैंने कहा समस्या क्या बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे पूछा कि आप अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, तो सर कोई तैयार नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि सर आप पढ़ा दें दोनों क्लास में। हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, आप परेशान न होइए, और दोनों क्लास की अंग्रेजी में पढ़ा। और जब मैं दोनों क्लास में गया सर, आपको बताऊं, मैं डबल एमए हूं अंग्रेजी से और पॉलिटिकल साइंस से और भी। तो पिछले बार भी एक वाक्य हुआ था, अभी बताऊंगा सर। तो मैंने 4 और 5 में गया, तो जब क्लास में गया तो बच्चों से जब रूबरू होने का मौका मिला सर, तो मुझे मालूम चला कि 2 ही 3 ऐसे बच्चे हैं दोनों क्लास में जिसको अंग्रेजी पढ़ने आती है, बाकी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती थी। मेरे पास एक बहुत चैलेंजिंग वर्क था कि इन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने ही नहीं आती है, सिर्फ 2-3 बच्चों को आती है, कैसे इनको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाए। मैंने बच्चों से बात करना प्रारंभ किया, बच्चों ने उससे पूछने, उनकी समस्या को जानने का प्रयास किया, उनके अभिभावक के घर जाने का प्रयास किया, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। और मैंने उन बच्चों को कहा कि यदि आप लोग चाहो, आप हमें 1 से 1.5 महीना दो, और मैं आपको वादा करता हूं, बच्चों से मैंने कहा कि यदि आप लोग साथ दोगे तो मैं सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना सिखा दूंगा। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल हम साथ देंगे, और हम चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी की बुक पढ़ना प्रारंभ करें। मैंने उसी दिन से, 18 तारीख का वो दिन था सर, और मैंने मेहनत करना प्रारंभ किया। और आज के डेट में मैं बताऊं, जिस क्लास में 2-3 बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने आती थी, एक क्लास में 27 बच्चों को और एक क्लास में 29 बच्चों को अंग्रेजी की बुक और धारा प्रवाह आज के डेट में पढ़ ले रहे हैं। तो हमारे, सिर्फ हमारा प्रयास नहीं है सर, बेसिक के बच्चों में जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं सर, इनके पास अपार क्षमता है, इनके पास अपार बुद्धि है, अपार विवेक है। समस्या कहाँ आती है, हम इनकी बुद्धि का प्रयोग पढ़ाई में करवा नहीं पाते हैं। यदि ईमानदारी से, मैं तो बेसिक शिक्षा में 10 वर्षों से हूं, देख रहा हूं सर, यदि इन बच्चों के साथ आप लग के मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि ये बच्चे ना कर पाए। सर हमारे विद्यालय में क्रिकेट की टीम मैंने बनाया है, और वो क्रिकेट की टीम अभी जिला स्तरीय खेलकूद रैली हुई थी, उन बच्चों को जो टीम आई थी सर, कहना नहीं चाहिए, जो दूसरी टीम आई थी वो बेसिक के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो प्राइवेट बच्चे थे, उनको बेसिक का बच्चा बना के लाया गया था। तो हमारे विद्यालय के बच्चों ने उन बच्चों को, 8 ओवर का मैच हुआ था सर, 8 ओवर में हमारे विद्यालय के बच्चे ने 78 रन बनाया, सिर्फ 2 विकेट, 2 खिलाड़ी आउट हुए, और वो टीम
जो कि पूरा प्रोफेशनल, आप उसको देखते वो एकदम जूता मोजा किट एकदम बैग पैड लगा कि अरे कहाँ के बच्चे हैं। तो मैं तो देखते ही जान गया कि ये बेसिक के बच्चे नहीं है, क्योंकि बेसिक के बच्चों के पास सर उतनी पैसे नहीं है कि वो जूता मोजा और बैट और किट और हेलमेट और ये सब खरीद पाए। लेकिन मुझे, मैंने अपने बच्चों से बात किया कि देखो ये लोग प्रोफेशनल है, इन लोग के अंदर बहुत टैलेंट होगी, इसीलिए तुम लोग मन लगाकर खेलो। और मैं बताया मेरे बच्चों ने, हमारे सर का बच्चों ने कहा सर आप चिंता मत करिए इनको हम लोग हराएंगे। और टॉस हुआ, टॉस होकर हमारे विद्यालय की टीम ने बैटिंग लिया और 8 ओवर में 78 रन हमारी टीम बनाई, उनको 79 रन बनाना था और हमारे विद्यालय के बच्चों ने उनको 20 रन पर, मात्र 20 रन पे उस टीम को आउट कर दिया। तो बेसिक के बच्चों के साथ 10 वर्षों में मैंने देखा है सर, यदि आप इनको, जैसे अभी आप कुम्हार की बात कर रहे थे, यदि वास्तव में हम आप कुम्हार बन के, वास्तव में बेसिक के शिक्षक वास्तव में यदि ईमानदारी से काम करे, जितना अनुदेशक शिक्षा मित्र करता है सर उतना वास्तव से ईमानदारी से मेहनत करे, तो बेसिक का कोई ऐसा बच्चा नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं सर, मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं बेसिक के बच्चों के अंदर अपार संभावनाएं हैं, सिर्फ जरूरत है तो उनकी संभावनाओं को, उसकी प्रतिभा को एक कुम्हार के रूप में चाक पे रखकर उसकी प्रतिभा को निखारने का कार्य यदि हम सब करें। और जिस प्रकार से अनुदेशक कर रहा, आप देखा अभी आपने दिलीप जी की बातों को, आप इनका देखिए ड्रेस, इनके खिलाफ अभी ये जो ट्रैक सूट पहने हैं, इसी से आप समझ जा सकते हैं कि इनके अंदर कितनी खेल के प्रति इनका कितना लगन है। दिलीप जी, अभी आप स्पोर्ट्स कॉलेज की बात कर रहे थे, मेरा घर उसी के बगल में है, एकदम स्पोर्ट्स कॉलेज, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के बगल में हमारा घर है सर। कभी आप आइए, स्वागत है गोरखपुर में आपका। तो कहने का मतलब है हम यदि ईमानदारी से मेहनत करें, जितना शिक्षा मित्र और अनुदेशक मेहनत करता है, आज 1,60,00,000 से यदि बच्चों की संख्या 2 करोड़ पहुंची है, तो इसका जिम्मेदार कोई है, इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो अनुदेशक को जाता है, शिक्षा मित्र को जाता है। लेकिन बाकी तो आप सब जान ही रहे सर, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। तो ऐसा नहीं है, हम लोग 100% उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों का क्या कसूर है सर, उन बच्चों के तो हम ही असली अभिभावक है। जिस प्रकार से वो बच्चे आते हैं और तुतलाकर बात करते हैं, एक एक बच्चा जैसे गाड़ी लगाता हूं लाइन लग जाती है, बच्चे एक वो पर छूता है, वो पर छूता है, वो पर छूता है, लाइन 10 मिनट। तो इसी में परेशान हो जाता हूं सर, बार बार मना करता हूं कि पैर मत छुओ जाते वक्त आते वक्त, लेकिन बच्चों को कितनों मना करिए, उनके अंदर जो प्रेम है, जो हम लोग के प्रति सम्मान है, और जिस दिन वो जान लेंगे कि आज सर नहीं आएंगे, विद्यालय की उपस्थिति डायरेक्ट आधे हो जाती है, बच्चा जान गए। इसलिए हम लोग पहले बताने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि हम 8:30 तक पहुंच जाते हैं, हमको बच्चे 8:40, 8:45 तक नहीं देखेंगे उस रास्ते से जाते हुए, तो उनको लगेगा कि सर आज नहीं आएंगे। और जैसे वो सुनेंगे आज नहीं आएंगे, वो जो ड्रेस पहना हुआ ड्रेस वो बच्चा घर जाता है, उतार देता है और मम्मी पापा से कहता है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, सर नहीं आ रहे हैं। तो इतना जो प्यार और सम्मान बच्चों का मिलता है सर, उनके अभिभावकों का मिलता है, तो लगता है कि वास्तव में पैसे की कोई सरकार दे ना दे, ये भी ले ले, कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात तो आपने खुद ही स्वीकार कर ली, पैसे की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मान सम्मान की जरूरत है, और जो बच्चे आप तैयार करते हैं वो प्रतिभा की जरूरत है।